छोड़ दे मोबाइल, तू छोड़ दे सब भारी चीजें, बन जा ढीठ और बस एक बार कर ले नीट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। यार आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और ये वाला ब्लॉग हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है ब्लॉग नंबर 12 का। और जिसने अभी तक ब्लॉग 12 नहीं देखा तो वो जाके देखे, उसके बाद ये ब्लॉग भी देखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। गाइस आज हम बात करेंगे नीट पर। क्या वाकई में नीट इतनी मुश्किल है? क्या वाकई में नीट में इतना पढ़ना पड़ता है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर की उम्मीद आप मेरे से मत रखना। शाबाश, ये सब तो भाई बताएगा, मैं तो अब क्या ही बताऊं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, आधे से ज्यादा लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता। चल झूठा छोड़ो। क्वेश्चंस ये है कि पढ़े कैसे, पढ़े कितना, पढ़े कितनी देर, सिटिंग टाइम कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। देखो रही बात पढ़ने की, तो आप कहीं पे भी देखो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखो, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो में देखो, किसी भी कोचिंग के लाइव कॉन्सर्ट में देखो, या फिर लाइव बच्चों से जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके इंटरेक्शन से देखो, आपको हर जगह एक चीज जरूर मिलेगी कि इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये सब वो सब, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका नीट में सिलेक्शन होगा। ये सब तो देखो ऐसा है कि सिलेक्शन के बाद बोली जाने वाली बात है। तो बात करें पढ़ने के तरीके की, तो देखो ऐसा है कि वैसे तो सबका तरीका यूनिक होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि बताए हुए तरीके पे कोई भी नहीं चलता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं और अपने अपने पैटर्न होते हैं। तो वैसे अगर जनरली मेरे पैटर्न की बात करें तो मैं हमेशा से, ऐसा नहीं है कि रेगुलरिटी से पढ़ता था, पर जितना पढ़ता था वो ऐसा पढ़ता था कि दोबारा सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती थी। देखो पढ़ने का जो भी अपना मैटर है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसकी बात करी जाए तो कई बच्चे होते हैं। अब देखो ऐसा है कि बच्चों का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि वो पढ़ते किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी कोचिंग में है और नोट्स उनके पास कम से कम 3 से 4 कोचिंग्स के नोट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, इधर खोल ली इस कोचिंग के नोट्स की बुक, इधर खोल ली इसकी, इधर खोल ली इसकी, तो वो क्या करते हैं, कभी इसमें जाते हैं इधर से इधर जंप आते हैं, इधर से इधर जंप आते हैं, माइंड में होता है लोचा और कुछ भी नहीं। अब बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए एग्जाम सिर्फ 3 चीजें मांगते हैं, ओनली 3, कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी। यानी कि आप लगातार पढ़ो, ये नहीं कहता कि मतलब आज 2 घंटे पढ़ लिए तो कल 4 घंटे, अगले दिन 6 घंटे, अगले दिन 8 घंटे, अगले दिन 10 घंटे। घंटे इम्प्रूव करने से घंटा भी कुछ नहीं हो। अच्छा, मतलब घंटे इम्प्रूव नहीं करो, बल्कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे इनफ है। अब जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2018 में स्टार्ट की थी, जब मैंने 11th में आया था, तो 11th की 12th की बात करें तो 11th 12th में पहली बात तो मेंटली इतने डेवलप भी नहीं थे कि नीट के बारे में कुछ ज़्यादा जानते थे। तो विथ 12th जो मैंने पेपर दिया था उसमें तो मेरे मार्क्स भी कुछ नहीं थे, 196 मार्क्स थे। तो अब बात करें फर्स्ट ड्रॉप की, तो मैंने जो 12th के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप लिया था, मैंने लिया था गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट से। तो फर्स्ट ड्रॉप में मेरे मार्क्स वैसे तो ठीक थे 12th के हिसाब से देखा जाए तो, बट वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं थे, 508 नंबर थे और 80,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक थी और कैटेगरी रैंक थी 35,000 के आसपास। और उसके बाद मैंने मतलब फर्स्ट टारगेट करने के बाद एक बार को तो मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि यार अब आगे नहीं होगा मेरे से, वेटनरी का कॉलेज ले लूंगा और वेटनरी ले लूंगा, मतलब वेटनरी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही थी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। पर फिर मैंने एक बार के लिए सोचा कि यार यहाँ पे इतने सारे कुछ करना होगा, पैसे भी काफी जाएंगे, घर वालों का भी थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी था, तो इसलिए मैंने क्या है कि मतलब 1 साल और करने का मन बनाया। तो मैंने जो 1 साल जो प्रिपरेशन की थी वो मेरी काफी बेहतरीन थी और उसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस वो था कि ट्रिकी मेथड पढ़े, ट्रिकी चीजें पढ़ी, लिमिटेड पढ़ा, कम पढ़ा पर ढंग का पढ़ा, मतलब लिमिटेड लिमिटेड सा पढ़ा था। मतलब अपने एक बात सीधी सी बोल सकते हैं कि प्रोसेस डजंट मैटर, ओनली रिजल्ट मैटर। देखो अब अपने बात करें ड्रॉबैक्स की, यानी कि मिस्टेक्स जो मैंने की थी जिससे मेरा सिलेक्शन सेकेंड ड्रॉप में हुआ, यानी कि मतलब मैंने 11th 12th में ऐसा क्या कर दिया, फर्स्ट टारगेट में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो 11th 12th की बात करें तो सीधा सा है कि मैंने पढ़ा ही नहीं। शाबाश बेटा। और
अगर मतलब फर्स्ट ड्रॉप की बात करें तो फर्स्ट ड्रॉप में ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा ढंग से पढ़ा भी था, 600 प्लस नंबर भी जाते थे कोचिंग के माइनस में, लेकिन ये था कि बाद में लॉकडाउन आ गया था, यानी कि कोविड 19 की सिचुएशन आ चुकी थी। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी बात ये थी कि कोचिंग जो ऑफलाइन थी वो बंद हो चुकी थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हाथ में था, मेरा खुद का सेल्फ। तो उससे मतलब क्लासेस लेते थे, उसके अलावा कभी कभार गेम्स भी खेल लेते थे, और उस वजह से मेरे को मतलब ये था कि उस टाइम पे तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब मैं एग्जाम दे के आया तब रियलाइज हुआ कि मतलब काफी कुछ लॉस हुआ है फोन की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से। फिर मतलब मैंने ये था कि मैंने ये सोच लिया कि अब तो चाहे लॉकडाउन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, इस साल सिलेक्शन लेना ही। तो ये भी था कि सेकंड टारगेट के टाइम पे भी 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, कोचिंग्स बंद हुई थी, लेकिन उससे मेरा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि मैं पहले वाले टारगेट से सहमा हुआ था, मतलब उससे डरा हुआ था कि मतलब मैंने उस टाइम पे ये गलतियां की थी, अगर मैंने यही गलतियां फिर दोहरा दी तो मेरा इस साल वेस्ट करने का मतलब क्या था अगर इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर मेरे बात करें तो मेरा सिलेक्शन नीट 2021 में हुआ था, और रही बात मतलब मार्क्स सिलेक्शन की बात करें तो मतलब मैंने पहले जो काउंट कर रखे थे मार्क्स 642 थे, और उसके बाद में एक क्वेश्चन जो कोचिंग्स का नॉर्मली हो ही जाता है कि मतलब कोचिंग के आंसर की से मैच किया हुआ था, तो जो मेन जो ऑफिशियल एनटीए की आंसर की आई थी उससे मेरे मार्क्स 647 थे। जैसे मेरी ऑल इंडिया जो रैंक थी वो थी 4446, और ओबीसी कैटेगरी में मेरी 1495 रैंक थी। अब ये तो था रिजल्ट का, मतलब रिजल्ट आ गया था, रैंक वैंक आ चुकी थी। तो अब बात रही काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग रिजल्ट के 2 महीने बाद स्टार्ट हुई थी। काउंसलिंग में जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुए थे वो 3 कॉलेजेस थे, मतलब मैंने स्टेट की काउंसलिंग भी करवाई थी और ऑल इंडिया की भी करवाई थी, बट मेरा ये था कि मतलब होम टाउन में कॉलेज लेने का नहीं था। तो होम टाउन वाला कॉलेज जो कि मैं बीकानेर से हूँ तो मेरे को एसपीएमसी मिल रहा था, लेकिन होम टाउन का कॉलेज नहीं लेना था, बाहर का लेना था। तो ऐसा था कि सबसे नियरेस्ट जो सिटी है वो जोधपुर पड़ती थी, तो मैंने जोधपुर के कॉलेज का डिसाइड किया। तो मेरे को ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से जोधपुर कॉलेज अलॉट हुआ था और मैंने उसी टाइम पे कॉलेज ले लिया था। अब मैं जो मतलब जो जूनियर्स या जो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी करंट में, उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि तू छोड़ दे मोबाइल, तू छोड़ दे सब बाहरी चीजें, बन जा डीट और बस एक बार कर ले नीट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस आज के अपने जो वीडियो था इसका यही मोटिव है कि नीट हार्ड नहीं है, बस अच्छे से पढ़ो और छोड़ दो नीट। सो गाइस इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग करते खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भाई का मोटिवेशन अच्छा लगा तो आप जो भी आपके दोस्त है जो भी नीट एस्पिरेंट्स है उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके दोस्तों, बाय बाय।